सो हेलो एवरीवन, यार आप लोगों ने देखा होगा आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करा और सामने से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑटो रिप्लाई किस तरीके से सेट कर दे आज के इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन की तरफ एंड वहाँ पे देखते हैं यार किस तरीके से हम ऑटो रिप्लाई को सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन की। सो अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे तो आपको जो है व्हाट्सएप बिजनेस को सबसे पहले डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा एंड फिर उस एप्लीकेशन के थ्रू ही आप जो है अपने लिए ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हो। तो चलिए चलते मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। सो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है तभी आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो। चलिए व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, बिजनेस टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको जहाँ पे नीचे देखोगे, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका अवे मैसेज, ठीक है। अवे मैसेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अवे मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड अवे मैसेज, इसका ऑफ रहेगा तो ये इस तरीके का ऑफ रहेगा, इसको आपको सिंपली ऑन करना है। या फिर मैसेज के अंदर जाना है, मैसेज के अंदर आपको एक मैसेज टाइप करना है, जो भी आप मैसेज आप लिखना चाहते हो। तो मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, हेलो डियर देवल जादव दिस साइड, मे आई नो यूर नेम, एज, सिटी, स्टेट, करंट प्रोफेशन, प्लीज सेव माई नंबर फॉर द फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर मुझे हाई मैसेज करेगा, हेलो मैसेज करेगा, आई वॉन्ट टू मेक मनी ऑनलाइन मैसेज करेगा, कोई भी मैसेज करेगा तो उसको ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो चेंजेस करना चाहते हो वो आप चेंजेस कर सकते हो, जो आप रखना चाहते हो वो आप रख दीजिएगा। देन यहाँ पे शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं। शेड्यूल का मतलब क्या है कि आप कितने बजे से कितने बजे चाहते हो कि ये मैसेज चला जाए। जैसे आप चाहते हो कि यार मुझे 10 बजे से 6 बजे बहुत सारे मैसेज आते हैं तो ऑटो रिप्लाई चला जाए, तो यहाँ पे आप कस्टम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके जो है आप कर सकते हो। आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स, आप बिजनेस अकाउंट जब ओपन करते हो व्हाट्सएप पे तो आपका टाइम पूछता है बिजनेस का, ठीक है। तो वो आप क्या चाहते हो कि बिजनेस के टाइम जब खत्म हो जाए तो उसके बाद ही मुझे ऑटो रिप्लाई स्टार्ट होना चाहिए, तो आपके ऊपर है कि आप जब भी चाहो तब इस ऑटो रिप्लाई को सेट कर सकते हो। देन है रिसीवर्स, इसका मतलब क्या है कि आप क्या चाहते हो कि किन लोगों को ऑटो रिप्लाई का मैसेज चला जाए, सबको चला जाए, मतलब जिसने आपका नंबर सेव कर रखा है अगर वो भी हाई आपका मैसेज करता है तो भी उसको चला जाए, या फिर आप चाहते हो कि जो मेरे एड्रेस में नहीं है बस जो नए लोग आ रहे हैं मेरे पास उनको चला जाए, या फिर किसी को नहीं चला जाए, या फिर सिर्फ इनको चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप आपके पास ऑप्शंस है, आप किन किन को चाहते हो दिखाना, ठीक है। तो मैंने सिर्फ किन किन को चाहते हो आप ऑटो रिप्लाई जाना, तो मैंने जितने लोग मेरे पास ऑलरेडी नंबर सेव से अगर वो मुझे मैसेज करते तो उनको ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा, बट जो लोग मेरे पास न्यू आए हैं अगर वो करते तो डेफिनेटली उनको चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ऑटो रिप्लाई को सेट करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप सेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर आप ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो मैंने सिंपली एक फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो फॉर्म फिल कीजिएगा, आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।